अंग्रेज अदालत में एक बच्चे पर केस चल रहा था। 15 साल का लड़का था। जज ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़के ने कहा आजाद। जज साहब ने पूछा कि बताओ तुम्हारे पिता का नाम क्या है। लड़के ने कहा आजादी। जज ने पूछा तुम्हारा पता क्या है। लड़के ने कहा जेल। अंग्रेज जज था, गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर के उस लड़के को 15 डंडे मारने की सजा दी। पेड़ से बांध करके उस लड़के पर बेंते बरसाई जा रही थी। लड़का हर डंडे पर कह रहा था भारत माता की जय। जब सजा पूरी हो गई तो लड़के को जेल से रिहा किया गया और जाते समय जेलर ने उस लड़के को 3 आने पैसे दिए। लड़के ने गुस्से में वो पैसे जेलर के मुंह पर मार दिया। अगले दिन अखबार में उस लड़के की फोटो छपी, वो भी धांसू कैप्शन के साथ। और उस दिन के बाद से उस लड़के को हर कोई आजाद के नाम से जानने लगा। मैं बात कर रहा हूं पंडित चंद्रशेखर आजाद की, जिन्होंने कहा कि कोई भी मुझे जीते जी नहीं पकड़ सकेगा। और वो कहा करते थे कि दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, हम आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। स्वागत है आपका मेरी लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे में। देश प्रेम क्या होता है, आइए आज आपको सुनाते हैं कहानी पंडित चंद्रशेखर आजाद की। तो आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सीताराम तिवारी और जगरानी देवी जी के घर पर 23 जुलाई 1906 को किलकारी गूंजी। जन्म हुआ चंद्रशेखर तिवारी का। चंद्रशेखर तिवारी जो आगे जाकर पंडित चंद्रशेखर आजाद के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। माताजी बच्चे को संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थी, लेकिन चंद्रशेखर तिवारी साहब चाहते थे कि वो देश को अंग्रेजों से आजाद कराए। आजाद का प्लान आजादी का था। 1920 में मात्र 15 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आजाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे। 14-15 साल की उम्र थी। लेकिन जब 1922 में चौरी चौरा जो घटना हुई उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस घटना से जो बाकी यंगस्टर्स का मोह भंग हुआ था, उसी तरीके से पंडित चंद्रशेखर आजाद का भी मोह भंग हो गया और वो गांधी जी की विचारधारा से थोड़ा अलग आ गए। जिसके बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेंद्र नाथ चटर्जी, इन्होंने 1924 में उत्तर भारत के नॉर्थ इंडिया के जो क्रांतिकारी थे इनको लेकर के एक दल का निर्माण किया जिसका नाम रखा हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ। चंद्रशेखर आजाद पंडित जी जो थे ये निशानेबाजी में बहुत अच्छे थे क्योंकि बचपन में इन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली थी। ये आगे बहुत काम आई। आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते। साल था 1925। काकोरी ट्रेन लूट के लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी मदद के लिए 9 क्रांतिकारियों को चुना, जिनमें से एक पंडित चंद्रशेखर आजाद भी थे। लूट के बाद में पंडित चंद्रशेखर आजाद को जिम्मेदारी दी गई कि आप जो लूट की रकम है उसे सुरक्षित लखनऊ पहुंचाएं। जब ये क्रांतिकारी पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, तो कानपुर से एक अखबार छपता था। उस अखबार का नाम था प्रताप, जिसके एडिटर थे गणेश शंकर विद्यार्थी, और उन्होंने अपने अखबार की जो हेडलाइन थी वो रखी थी भारत के 9 रत्न गिरफ्तार। लेकिन कमाल की बात ये थी कि 9 रत्नों में पंडित चंद्रशेखर आजाद शामिल नहीं थे। वो हमेशा की तरह पुलिस को चकमा दे करके निकल चुके थे। वो बनारस में थे, कभी बाहर थे, कभी कहां थे, लेकिन लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। वो हर बार पुलिस को चकमा दे करके बच निकलने में सफल रहते थे। इस सब के बीच में एक और घटना होती है। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय पर पुलिस की लाठियां बरसाई जाती हैं, उनकी जान चली जाती है और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की फिर योजना बनाई जाती है। योजना ये बनाई जाती है कि भगत सिंह, लाला लाजपत राय पर जिन्होंने लाठी चलाई, वो सैंडर्स को गोली मारेंगे, राजगुरु स्टैंड बाई में रहेंगे और पंडित चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह को कवर देंगे। अगर हमले के बाद में कोई इनका पीछा करता है तो पंडित जी यानी कि चंद्रशेखर आजाद साहब उससे निपट लेंगे। तो जैसे ही सैंडर्स अपने हेड कांस्टेबल चानन सिंह के साथ रवाना होता है अपनी मोटरसाइकिल पर, राजगुरु चीते की तरह उछल करके उसके सीने पर फायर करते हैं और उसके बाद भगत सिंह एक पेड़ के पीछे से कूदते हैं और एक के बाद एक 6 गोलियां सैंडर्स के सीने में उतार देते हैं। सैंडर्स उसी वक्त मर जाते हैं। भगत सिंह और राजगुरु दौड़ने लगते हैं, लेकिन जिस हेड कांस्टेबल चानन सिंह के साथ सैंडर्स वहां आया था वो इन दोनों का पीछा करने लगता है और जैसी की योजना थी कवर फायर के लिए पंडित जी वहां मौजूद होते हैं और सुरक्षित भगत सिंह और राजगुरु को वहां से निकाल लेते हैं। इस घटना के बाद क्रांतिकारियों ने डिसाइड किया कि वो सेंट्रल असेंबली में बम फेंकेंगे और उसके बाद में अपनी गिरफ्तारी देंगे। इस काम को करने के लिए पंडित जी तैयार थे, लेकिन बाकी साथियों ने कहा कि नहीं, आपकी जरूरत संगठन को। तो भगत सिंह ने कहा मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं। पंडित जी इस बात के खिलाफ थे, लेकिन बाद में भगत सिंह ने जब सेंट्रल कमेटी की इनकी मीटिंग हुई संगठन की तो उसमें बाकी साथियों को मना लिया और भगत सिंह ने अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर के काम किया, गिरफ्तारी दी, जेल चले गए। इस सब के बीच में पुलिस और ज्यादा पीछे पड़ गई पंडित चंद्रशेखर आजाद के, कि अब तो इनको पकड़ना ही है वरना ये पता नहीं क्या क्या करवाते रहेंगे।
पंडित चंद्रशेखर आजाद को पुलिस चप्पे चप्पे पर ढूंढ रही थी, शहर शहर में ढूंढ रही थी, उनके घरों पर छापेमारी की जा रही थी। घर वालों के पास भी पैसे कम पड़ने लगे, तंगी आने लगी। जो पंडित जी का संगठन था उसमें अंग्रेज सरकार का पैसा लूटने का वाला तो पैसा आता ही था, साथ में चंदे का पैसा भी आता था। तो कुछ साथियों ने कहा कि पंडित जी इसमें से कुछ पैसा घर पर भेज दीजिए, उन्हें जरूरत होगी। इस बात पर पंडित चंद्रशेखर आजाद को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे घर वाले आड़े आ रहे हैं आजादी के, उन्हें जाकर के गोली मार दो, वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इतनी बड़ी बात उन्होंने सहजता से कह दी। काफी मेहनत के बाद में, पुलिस वालों की बहुत मेहनत हुई, उसके बाद में फाइनली वो दिन आया जब पुलिस वालों की मुलाकात हुई पंडित चंद्रशेखर आजाद जी से। और पंडित जी से मुलाकात भी क्यों हुई, क्योंकि पंडित चंद्रशेखर आजाद जी का एक साथी था जिससे कुछ दिन पहले बहस हो गई थी, और इसी बहस के कारण उसने गद्दारी कर ली। उसने पुलिस वालों को बता दिया कि प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में छुप करके बैठे हैं पंडित चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं, वहां पर बैठे हैं पंडित जी अल्फ्रेड पार्क में, जाओ जाकर के पकड़ लो। साथी की गद्दारी के बारे में और फौज की फौज आ गई इसके बारे में उन्हें अंदाजा नहीं था। पंडित जी को अपने एक साथी के साथ बैठे हुए थे, चारों तरफ से गोलियां दनादन चलने लगी। पंडित चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथी से कहा कि तुम निकलो फटाफट, मैं तुम्हारे लिए कवर फायर करता हूं, अपने साथी को गोली ना लग जाए, इसी तरीके से गोली चलाते हो। अंग्रेजों को वो हर गोली का जवाब देते रहे। तकरीबन 20 मिनट तक वो सैकड़ों अंग्रेजों की फौज से लोहा लेते रहे अकेले, और जब उन्हें मालूम चला कि उनकी पिस्तौल में अब आखिरी गोली बची है, तो उन्हें वो वादा याद आ गया कि ब्रिटिश सरकार से फांसी पर नहीं चढ़ूंगा, इनके हाथ नहीं आऊंगा। उन्होंने खुद को गोली मार ली, वो वादा निभाया। और जाते जाते उन्होंने वो शेर बोला, उन्होंने कहा कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं आजाद ही रहेंगे। पंडित चंद्रशेखर आजाद को बारंबार नमन। हम आजादी की बात तो करते हैं लेकिन आजाद की बात करना भूल जाते हैं। याद रखिए हमारे देश के उन हीरोज को जिनकी बदौलत आज आप और हम खुशखुशहाल हैं, आज आप और हम आजादी का उत्सव मना रहे हैं। हमारे देश के तमाम क्रांतिकारियों को, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को बारंबार प्रणाम। देशभक्ति सीखनी है तो इनसे सीखिए। जय हिंद जय भारत। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई मोटिवेशनल कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।